हेलो स्टूडेंट्स आज का मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप क्लास एलेवेंथ इकोनॉमिक्स का टॉपिक हमारा जो है प्रोडक्शन फंक्शन ही चल रहा है ओके ये प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर के हमारी वीडियो नंबर टू है प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग मैंने वीडियो नंबर वन में बताया हुआ है आप अगर आपको प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग देखना है बच्चे तो आप वीडियो नंबर वन में जाकर देखिए राइट वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है आपको आपके लिए तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन ओके बेटा मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे आपको बताया था कि मैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन आपको लेकर आऊंगी राइट तो आप देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन रेफर्स टू अ पीरियड शॉर्ट रन टाइम पीरियड वो पीरियड होता है इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाई चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स मतलब कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स में वो होता है जिसमें हम अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं आउटपुट चेंज कर सकते हैं सिर्फ वेरिएबल फैक्टर में चेंज करके ओके okay बच्चे वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज हो सकता है फिक्स फैक्टर में चेंज नहीं होता जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शॉर्ट रन टाइम पीरियड में ही जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होता है वेरियअल फैक्टर और दूसरा होता है आपके फिक्स फैक्टर्स ठीक है ये मैंने वीडियो नंबर वन में बता रखा है आपको राइट वेरियअल फैक्टर एंड फिक्स फैक्टर तो वेरियल फैक्टर में ही चेंज करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं चेंज कर सकते हैं राइट और लॉन्ग रन टाइम पीरियड कौन सा टाइम पीरियड होता है Long run refers to a period, वो time period होता है है जिसमें output, output मतलब production, जिसको change किया जा सकता बेटा में जितने भी फैक्टर्स प्रोडक्शन है वो सब के सब आपके वेरिएबल होते हैं कौन से होते हैं वेरिएबल होते हैं लॉन्ग रन टाइम पीरियड में कोई भी फैक्टर प्रोडक्शन आपका फिक्स नहीं होता कोई भी आपका फिक्स फैक्टर नहीं होता ओके okay बेटा नाउ फैक्टर रेशो के पॉइंट पे देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है फैक्टर रेशो मस्ट चेंज एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट मतलब जो भी आपका आउटपुट का लेवल रहेगा जो भी आपकी प्रोडक्शन की यूनिट्स रहेंगी उस लेवल ऑफ आउटपुट पर आपका फैक्टर रेशो फैक्टर किसका प्रोडक्शन के फैक्टर का रेशो चेंज होता रहेगा ठीक है क्यों क्योंकि उसमें एक फैक्टर हमेशा आपका जो है कांस्टेंट रहता है यहाँ पर फैक्टर रेशो आपका चेंज नहीं होता फैक्टर रेशो आपका कांस्टेंट रहता है क्यों कांस्टेंट रहता है क्योंकि आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब के सब चेंजेबल हैं वेरिएबल हैं राइट वेरिएबल का मतलब चेंजेबल होता है बेटा राइट नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड पॉइंट इट इज़ कोल्ड एज वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन मतलब शॉर्टन प्रोडक्शन फंक्शन को हम वेरिएबल प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं राइट right? क्यों क्योंकि इसमें आपका एक फैक्टर फिक्स रहता है बाकी सारे फैक्टर आपके वेरिएबल रहते हैं यहाँ पे इसको हम कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं राइट right? क्यों क्योंकि इसमें आपका फैक्टर रेशो कॉन्स्टेंट रहता है क्यों क्योंकि इसमें आपका फैक्टर रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है इसमें वेरिएबल क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ पे फैक्टर रेशो आपका वेरिएबल रहता है देखिए कि आपका कैपिटल है यस yes, कैपिटल को के लिखते हैं इधर कैपिटल है आपका वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर लेबर है तो आपका एक फिक्स फैक्टर है एक फिक्स फैक्टर है लेकिन लेबर की यूनिट्स देखो आप इंक्रीज कर रहे हो ठीक है ना लेबर के यूनिट्स इंक्रीज रहे हो एक फिक्स फैक्टर के साथ तो यहाँ पर आपका वेरिएबल रहता है फैक्टर रेशो और यहाँ पर जितनी क्वांटिटी में आप लेबर ले रहे हो और कैपिटल का रेशो ले रहे हो उतनी ही क्वांटिटी में आप कैपिटल और लेबर का ले रहे हो तो ये जो कांस्टेंट रहेगा ना रेशो ये फैक्टर रेशो कॉन्स्टेंट रहेगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ओके बच्चे Now, next point है हमारा yes, बेटा ये आउटपुट का मतलब है यहाँ पर प्रोडक्शन राइट right? और ये जो है change in scale of output दिखाता है change क्यों क्योंकि बेटा लॉन्ग रन टाइम पीरियड इतना होता है कि हम अपने आउटपुट में चेंज कर सकते हैं कितने भी स्केल तक कितनी भी यूनिट्स तक हम इसको चेंज कर सकते हैं राइट right? यहाँ पर बिहेवियर आउटपुट इज स्टडीड विद रेफरेंस टू वेरिएबल फैक्टर एप्लीकेशन जो हम आउटपुट का चेंज देखते हैं या आउटपुट का जो बिहेवियर देखते हैं वो हम वेरिएबल फैक्टर की वजह से देखते हैं जो हम वेरिएबल फैक्टर अप्लाई करते हैं उसकी वजह से हम आउटपुट का बिहेवियर देखते हैं इसके अंदर जो हम आउटपुट का बिहेवियर देखते हैं वो हम प्रोडक्शन के स्केल से रिलेटेड प्रोडक्शन के स्केल से रिलेटेड मतलब हमारा प्रोडक्शन इन यूनिट्स कितना ज़्यादा एक्सपेंड करता है कितना बढ़ता है ठीक है उससे रिलेटेड हम इसको देखते हैं राइट right, बेटा और ये जो है शॉर्ट एंड प्रोडक्शन फंक्शन किस को एग्जीबिट करता है रिटर्न टू अ फैक्टर रिटर्न टू अ फैक्टर को एग्जीबिट करता है ठीक है ना रिटर्न टू अ फैक्टर रीड uh, करते हैं इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है प्रॉपर और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हम रिटर्न टू स्केल को रीड करते हैं या, यानी कि यहाँ पे स्केल से रिलेटेड जो है बिहेवियर को रीड किया जाता है और यहाँ पर फैक्टर से रिलेटेड बिहेवियर को रीड किया जाता है ठीक है बेटा ये डिफरेंस है आई होप आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आ गया होगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो अगर कर बनवानी है तो श्योरली आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि मैम मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है चाहे वो आपका एलेवेंथ क्लास का अकाउंट्स का टॉपिक है बिज़नेस का है इकोनॉमिक्स का है चाहे वो आपका इलेवेंथ क्लास का भी अकाउंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोई भी टॉपिक है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए श्योरली आई विल प्रोवाइड फॉर यू ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो